रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी राशि वालों के जीवन में परेशानी, दुख और कष्ट की मुख्य वजह क्या है, और साथ ही साथ ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी वजह से आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आखिर परेशानियां सभी राशि में से आपकी राशि वालों का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है, ऐसी क्या वजह है, ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके ऊपर बुरी नज़र लगाती है, आपके ऊपर काला जादू करता है, जिनकी वजह से आपकी राशि के लोगों के जीवन में परेशानियां हर दिन हर पल आती रहती है। ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी वजह से आपको हर बार दुख, कष्ट और तकलीफ सहन करनी पड़ती है। आज इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के उत्तर भी देंगे, साथ ही साथ कुछ ऐसी कारगर उपाय भी बताएंगे जो कि आप इन परेशानियों से बच सकती हैं। तो आपसे अनुरोध करेंगे, आप इस वीडियो की बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपकी राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कई बार अपने जीवन में इस बात को महसूस किया होगा कि आपका कोई काम बनते बनते रुक जाता है, या फिर जिस चीज़ के लिए, जिस लक्ष्य के लिए आप जी तोड़ मेहनत करते हैं, जिस मंजिल को आप तहे दिल से पाना चाहते हो, वहाँ पर दोस्तों आप पहुँचते पहुँचते रह जाते हो। अपने यह जीवन में ज़रूर महसूस किया होगा कि आप दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसका सबसे बड़ा कारण बुरी नज़र है, सबसे बड़ा कारण इसका काला जादू है। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से आपकी जो बनते बनते काम है उसमें रुकावटें आती है और आपका बिजनेस, आपका व्यापार रुक सा जाता है। ना सिर्फ धन के मामले में, बल्कि किसी की बुरी नज़र आपके पारिवारिक जीवन, आपके प्रेम जीवन और आपकी दाम्पत्य जीवन को भी तबाह कर सकती है। कई बार आपने जो देखा होगा कि जो नव दंपति आपस में बहुत खुश थी, या फिर जिनकी सगाई हाल ही में हुई थी, कई बार किसी की बुरी नज़र से इनका अटूट रिश्ता टूट जाता है, सगाई इनकी टूट जाती है, शादी में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि यह बुरी नज़र वाले होते हैं कौन। आपको बता दें कि यह कोई भी हो सकता है, और ज़्यादातर बुरी नज़र वाला और काला जादू वही लोग करते हैं जो निजी जीवन में आपसे जलते हैं, या फिर वो लोग जो आपसे किसी चीज़ से जलते हैं जो उनके पास नहीं है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर यदि आपकी पत्नी बहुत आकर्षक है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, या फिर आपका पति बहुत बड़े घराने से बहुत अमीर है, तो यह स्वाभाविक है कि लोग यह देखकर आपसे जलने लगेंगे, क्योंकि यह जालिम दुनिया आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, क्योंकि इनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके रिश्ते को तोड़ने का प्रयास भी करेंगे, आपको भड़काने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपको अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना है, आपको ऐसे में सोच समझकर काम करना चाहिए और ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। दोस्तों, व्यापार में भी आपने कई बार देखा होगा, जब आप कोई तरक्की करते हैं, जब आपका प्रमोशन होता है, या फिर आप जब कोई गाड़ी खरीदते हैं, लोग यह सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, और ऐसे में आप बुरी नज़र के शिकार भी हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको इस बात का गौर करना है कि जो बुरी नज़र लगाने वाली होती है वो भी आपकी कहीं ना कहीं आपके
करीब ही ज़्यादातर होती है। और दोस्तों, यह उन्हीं में से एक है जो आपसे हर रोज़ मिलता है और आप कब क्या कर रहे हैं उन्हें सब पता होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि बुरी नज़र न केवल आपका स्वास्थ्य बिगाड़ता है बल्कि दोस्तों परिवार में जो खुशियां आपकी होती है उनको भी नज़र लगाती है। दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में यह बताया गया है कि धरती पर दो तरह की शक्तियाँ विद्यमान होती है। एक होती है पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक ऊर्जा जो कि हमें भगवान की शक्ति और ध्यान करने से मिलती है। दूसरी है कि नेगेटिव यानी कि नकारात्मक ऊर्जा। दोस्तों, यह नकारात्मक ऊर्जा बुरी शक्ति कहें या फिर बुरी नज़र सबसे खतरनाक होती है क्योंकि यह व्यक्ति की अंतरात्मा को नुकसान पहुंचाती है, पति को मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए हमेशा कहता हूं कि निगेटिव लोगों से आप, नकारात्मक लोगों से आप जितना हो सके दूरी बना कर रखें क्योंकि दोस्तों ऐसे लोग खुद तो बर्बाद होंगे ही और साथ ही साथ आपको भी बर्बाद करके छोड़ेंगे क्योंकि दोस्तों ऐसे लोग आपको अंदर ही अंदर डराती है, आपको खोखला बनाती है। और दोस्तों, यह चीज़ नोटिस की होगी, ऐसे लोगों से बात करने के बाद आपको इंसाइट्यूड और डिप्रेशन सा भी महसूस होता है। दोस्तों, अधिकतर लोग बुरी शक्ति का प्रयोग करके परेशान करने के लिए करती है जिससे हम जादू टोना भी कहते हैं क्योंकि ऐसे लोगों से दूसरों की खुशियां देखी नहीं जा सकती है। और दोस्तों, चौंका देने वाली बात तो यह है कि इसका असर न केवल व्यक्ति की निजी जीवन में पड़ता है बल्कि आपकी मानसिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ कि यदि आपको लग रहा है कि आपको किसी की बुरी नज़र लगी है, कोई आप पर भी काला जादू कर रहा है, आपके काम रुक गए हैं, व्यापार आपका बिल्कुल ठप पड़ गया है, आपको अपने विवाह में बाधा हो रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, घर में आपकी लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ गए हैं या फिर यदि आपको कुछ घर में ऐसे लक्षण देखने को मिले हैं जैसे कि दोस्तों, यदि आपको अगर नज़र आएगी कि आपकी घर की पेड़ सूखने लगी है, खास करके तुलसी का पौधा जिसके घर में सबसे ज़्यादा देखभाल की जाती है, अगर वह सूख कर समाप्त होने लगता है या फिर यदि आपके घर में खुद आपकी सिर दर्द में अचानक दर्द उठता है और शांत होता है और ऐसे में बार बार होने लगता है, आपको पूरे शरीर में यदि दर्द होता है वह भी बिना कारण और यह बार बार हो रहा है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पूरा शरीर जल रहा है, कोई आग सी लगी हो, यदि आपको आंखों में जलन हो रही है तो आप इसकी चपेट में हैं, यदि आपका हृदय निरंतर तेज धड़क रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, कभी कभी सीने में दर्द, घबराहट भी होती है, दोस्तों ये सभी लक्षण आपको अपने जीवन में देखने को अगर मिल रही है और यदि कोई भी दवा आपको फ़ायदा नहीं कर रही है तो आप, हो सकता है कि आप उसकी बुरी नज़र के चपेट में आ चुके हैं, कोई आप पर काला जादू कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वैसे तो बुरी नज़र और काला जादू से बचने के लिए बहुत से उपाय हैं लेकिन इसका सबसे सटीक और जल्दी असर करने वाला उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम आपको बताना चाहेंगे इस उपाय के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ महाशक्तिशाली हनुमान मंत्र सुबह और शाम को 21 बार जाप करना है। जी हाँ दोस्तों, यह मंत्र हनुमान चालीसा की चौपाई का है।
तो यह सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक तो काहे को डरन। दोस्तों, इसका अर्थ है कि जो भी आपकी शरण में आती है उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर हमें किसी से क्यों डरें। इसके साथ ही साथ चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो यह दोनों ही मंत्र आपको सुबह सुबह नहाने के बाद 21 बार जाप करने हैं, और रात में सोने से पहले 21 बार जाप करना है। दोस्तों, ऐसा आपको पूरे 108 दिनों के लिए निरंतर करना है। तो यह बहुत ही शक्तिशाली कारगर उपाय है। यदि आपको लग रहा है कोई आपके कोई बुरी नज़र है, कोई बुरी शक्ति है, कोई नकारात्मक शक्ति आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आप इस उपाय को जरूर करिए। क्योंकि दोस्तों, भगवान हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। दोस्तों, अगर आप इन सभी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को आप जरूर लाइक कर दें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिख दें। धन्यवाद।